दिलचस्प तस्वीरें, कई दिलचस्प बातें हरियाणा विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई लगातार आप तक बता रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। रोहतक से ये बड़ी खबर है जहां बलराज कुंडू और उसके पीए के कपड़े फाड़े गए हैं। कुंडू ने आनंद सिंह दांगी पर आरोप लगाया है। मदीना गांव के बूथ नंबर 134 की घटना बताई जा रही है। बलराज कुंडू ने खुद आनंद सिंह दांगी पर आरोप लगाया है और ये तस्वीरें देखिए झड़प की सामने आई हैं। रोहतक से आपको ये खबर दे रहे हैं जहां बलराज कुंडू और उनके पीए के कपड़े फाड़े गए हैं। कुंडू ने आनंद सिंह डांगी पर इसका आरोप लगाया है। अब ये झड़प क्यों हुई, किस वजह से ये बहसबाजी हुई, धीरेंद्र से जान लेते हैं। जी धीरेंद्र, बताएं जरा ये क्या खबर है, बलराज कुंडू आरोप लगा रहे हैं। देखिए, बलराज कुंडू ने एक बड़ा आरोप लगाया है। जो कांग्रेस उम्मीदवार हैं बलराम दांगी, उनके पिता आनंद सिंह दांगी पर, उनका कहना है कि मैं बूथ नंबर 134 का जायजा लेने गया था मदीना गांव में, उस दौरान आनंद सिंह दांगी और उनके समर्थकों ने मेरे साथ हाथापाई की और मेरे पीए के कपड़े फाड़े, मेरे कपड़े फाड़े। ये बलराज कुंडू का आरोप है। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन जो वीडियो आए हैं उससे ये जरूर साबित होता है कि दोनों पक्षों के बीच तनातनी बनी थी। हालांकि बीच में कुछ सुरक्षा गार्ड्स भी पहुंच गए थे और माहौल को शांत कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद बलराज कुंडू की तरफ से एक वीडियो जारी की गई है जिसमें कहा गया कि उनके पीए विजय के कपड़े फाड़े गए और मेरे भी कपड़े फाड़े गए। और ये सीधे तौर पर आरोप जो कांग्रेस प्रत्याशी बलराम दांगी है उनके पिता आनंद सिंह दांगी पर लगाया गया है। हम फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि न्यूज 18 इसकी पुष्टि नहीं करता कि बलराज कुंडू के कपड़े आनंद सिंह दांगी या उसके समर्थकों ने फाड़े हैं। हालांकि कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे सामने की ये घटना नहीं, एक वीडियो जरूर आई है और उसमें ये आरोप लगा है और बलराज कुंडू ने बलराज कुंडू इस वक्त खुद हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। बलराज कुंडू जी, बताएंगे क्या हुआ आपके साथ। हेलो जी, जी बलराज कुंडू जी, बताएंगे क्या हुआ आपके साथ, क्या कुछ कहना है आपका। आज सुबह से ही मदीना में खबर आई मेरे पास, उसके जी जी दांगी के लोग वहाँ पे गुंडागर्दी करने को उतारू थे जी। मैं वहाँ बूथ चेक करने के लिए गया तो लड़कियों वाले स्कूल के बूथ में जब मैं पहुंचा था जी, तो आनंद सिंह दांगी खुद अपने 20-25 लोगों के साथ में वहाँ पे बूथ में पहुंचे, जाते ही मेरे सामने कहने लगे कि भाई आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ मेरे आने में, मदीना गाँव में कुछ पाने। और मुझे आनंद सिंह दांगी ने खुद धक्का मारकर और उसके साथ वो सारे लोग जो है ना मेरे धक्के मारने लगे, मेरे कपड़े फाड़ दिए और मेरे पीए को बहुत ज्यादा चोटें मारी हैं। मेरे पीए पीए को वो हार की बौखलाहट से एक नया मेम कांड कराने की सोच रखते हैं जी। बलराज कुंडू जी, शिकायत दादागिरी यहाँ हम चलने नहीं देंगे, फेयर वोटिंग के साथ में जो है ना हम वोट की चोट पर जो है ना जनता मेम की जनता उनको सबक सिखाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बलराज कुंडू जी किसी तरह की कोई शिकायत आप करेंगे चुनाव आयोग से, अभी तक की है? मैं चुनाव आयोग को अभी लेटर लिख रहा हूँ जी और उनके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर FIR दर्ज करवा रहा हूँ। FIR उनके नाम, पांच लोग उनके जो मेन थे उसमें करने पड़े, उनके नाम के साथ में दांगी साहब के खिलाफ FIR कर रहा हूँ। बिल्कुल बलराज कुंडू जी, जिस तरह से हम भी तस्वीरें देख रहे हैं वहां पर जनता भी मौजूद होती जो मतदान करने पहुंची थी उस पोलिंग बूथ पर, उनके बीच भी किस तरह का संदेश जाता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। ये आप ये बताओ ना, जब एक कैंडिडेट के मौजूदा अभी तक विधायक के साथ वो इस तरह का व्यवहार और गुंडागर्दी कर रहे हैं, आम जनता आम जनमानस उस पे क्या इम्पैक्ट देगा? वो तो एक तरफ का भयगा माहौल पैदा करके बूथ कैप्चरिंग करने की सोच लेकर जो है ना वो उतरे हुए हैं, क्योंकि उनका पता है जनता वोट उनको देने में उनको नकार रही है और वो दादागिरी और गुंडागिरी के उसके ऊपर जो है ना इस चुनाव को जीतना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। उनकी जमानत शपथ करने के लिए तैयार बैठी मैम की जनता आज वोटिंग कर रही है जी। लेकिन बलराज कुंडू जी, आप क्या ये कहना चाहते हैं कि मदीना गांव की जनता या उस पोलिंग स्टेशन पर जो जनता थी वो इतनी जागरूक नहीं है कि सही और गलत में फर्क कर सके? मदीना गांव की जनता उसको हरा रही है, इसलिए वहां अपने गांव की उसको लिए वो वहां एक टेरर का माहौल बनाकर बूथ कैप्चरिंग करने के लिए उसके लोग वहां पर उतारू बैठे हैं। इतनी एज होने के बाद आनंद सिंह दांगी को मैंने प्रणाम किया, नमस्कार, राम राम जी, और वो इतनी ओछीर घटिया सोच के साथ जो बूथ कैप्चरिंग जैसा बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं, बूथ कैप्चरिंग जैसा बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं? आरोप नहीं, ये तो सामने पिक्चरें वीडियो आ चुकी है, लोगों के उसकी भेज चुके हैं जी। जी बलराज कुंडू जी, साथ ही साथ ठीक है, तो बलराज कुंडू जी से बात हो रही थी जिनके साथ ये गहमा गहमी यहाँ पर हुई, धक्का मुक्की हुई, उन्होंने आरोप लगाया है डांगी
के ऊपर कि उनके साथ किस तरह से आनंद डांगी ने हमला बोला। बकायदा उन्होंने जब वो इस मदीना बूथ पर पहुंचे थे, मदीना गांव के बूथ नंबर 134 पर पहुंचे थे, उन्होंने आनंद डांगी को पहले प्रणाम किया, लेकिन उनका प्रणाम स्वीकार ना करते हुए उनके साथ इस तरह की यहां पर हरकत की गई, उनके पीएसओ के कपड़े फाड़े गए, ये आरोप उन्होंने लगाया। आपको बता दें कि मौजूदा समय में जिस तरह से विधायक हैं बलराज कुंडू और आरोप वो शुरू से ही लगाते आए हैं, इससे पहले तक उनकी रैलियों में भी अगर देखें, उनके चुनाव प्रचार में भी अगर देखा जाए तो डांगी पिता पुत्र पर वो लगातार निशाना साधते आए हैं। तो कहीं ना कहीं क्योंकि आज आखिरी दिन है और जिस तरह की तस्वीरें यहां पर देखने को मिल रही है, हालांकि इससे ठीक पहले मैं बात कर रही थी कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, लेकिन अब सुरक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आ जाती है जब इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की घटनाएं पोलिंग स्टेशन से सामने आती हैं। लोग यहां पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करने के लिए लाइनों में लगे थे, लेकिन दो उम्मीदवार आपस में, दो पार्टियों के नेता आपस में इस तरह से भिड़ जाते हैं, जनता के बीच किस तरह का संदेश जाता है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हम बात करते हैं कि हिंसा रहित मतदान हो, लोग शांति से पारदर्शी तरीके से मतदान कर सकें, कल से ही इसका जिक्र हो रहा है, लेकिन जो ये खबर अब निकल कर आई है